हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एलआरसी जो अमीन की फॉर्म आई है, इसमें टोटल जो फॉर्म फिलअप इस बार हुआ है 3 लाख प्लस यहाँ पे फॉर्म इस बार फिलअप किए गए हैं। और इस बार जो आपका एग्जाम बेस यहाँ पे होने की चर्चाएं हैं, सरकार की मंशा क्या है और स्टूडेंट क्या चाहते हैं। देखो, स्टूडेंट का यहाँ पे एक ही मकसद है कि यहाँ पे किसी भी माध्यम से हो, चाहे ऑनलाइन एग्जाम आप ले लें या ऑफलाइन एग्जाम ले, या आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ, यानी कि जैसे कि मेरिट बेस पे बहाली होती है, जो पिछली बहाली क्लियर हुई थी, 4000 प्लस बहाली क्लियर हुई, उसी तरीके से यहाँ पे किया जाए। कुछ भी प्रोसेस हो, चाहे एग्जाम हो या मेरिट आधारित हो, लेकिन यहाँ पे बहाली जल्द होनी चाहिए। जैसा कि अप्रैल मई तक यहाँ पे लग रहा था कि ये बहाली क्लियर हो जाएगी, लेकिन अब कहीं भी दूर दूर तक ये दिखाई नहीं दे रही है। चाहे आप एग्जाम ले या मेरिट किसी भी आधारित हो, लेकिन 3 से 4 महीने में यहाँ पे फाइनल रिजल्ट दिया जाए। सरकार की एक और यहाँ पे मकसद है, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे 3 लाख प्लस यहाँ पे फॉर्म आए हैं, सिर्फ अमीन पोस्ट के लिए, क्लर्क को छोड़ दें, क्लर्क के अलावे जो बंदोबस्त पदाधिकारी। अब खास बात यह है कि यहाँ पे स्टूडेंट इतने उतावले हो जाते हैं, खास करके डिप्लोमा सिविल वाले। पेमेंट यहाँ पे कितना है, लगभग 30,000 यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे देने की, इन हैंड यहाँ पे देने की चर्चाएं हैं, और साथ में लैपटॉप वगैरह जो भी सब कुछ इंक्लूड कर ले तो लगभग 30,000 यहाँ पे एलआरसी अमीन वाले को यहाँ पे मिलेंगे तनख्वाह पर मंथ। अब बात यह है कि जितने भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरे तो बोल रहे कि इतनी बड़ी वैकेंसी है और इतनी अच्छी पेमेंट है, और जो लेवल और जो बीटीएससी में जो लेवल 6 की 7 की जो चर्चाएं हैं, जो बीटीएससी में लेवल 7 की जो पोस्ट है, तो लेवल 7 का कैसे जो है कि मेरिट बेस यहाँ पे बहाली हो, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि बहुत सारा जो बीटीएससी क्लियर कर चुकी है, वो भी ग्रेड 5400 प्लस वाला, यानी कि 5400 से भी ज़्यादा वाला वैकेंसी को यहाँ पे क्लियर कर चुकी है। तो 5400 वाला यहाँ पे वैकेंसी जो डॉक्टर का है, स्पेशल डॉक्टर्स बहुत सारे जो 2021 में 20 में कोरोना पीरियड में बहुत सारे वैकेंसी, बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ जो कि उसका जो तनख्वाह 70,000-75,000 जाता है, तो वो सबका 80,000 तक चला जाता है शुरू में ही, तो उसका जो है कि पेमेंट जो है कि यहाँ पे वैकेंसी बीटीएससी क्लियर कर दी। ये तो छोटी बहुत बड़ी जो है कि पोस्ट है, यानी कि लेवल के हिसाब से तो लेवल 7 उसके मुकाबले बहुत ही कम है। तो आप लोग ज़्यादा उतावला ना हो, जितने भी कैंडिडेट हो किसी भी तरीके से बीटीएससी को क्लियर कराया जाए। 4 साल वेट कर चुके हैं, यदि अब जो है कि जितना इसमें जितना डिले होगा उतना ज़्यादा पेंच में फंसता चला जाएगा वैकेंसी बीटीएससी वाला। इसके अलावा जो कैंडिडेट एलआरसी के जो फॉर्म फिलअप किए हैं एलआरसी अमीन वाला, तो अमीन का जो भी ये भी पेमेंट लगभग ठीक ठाक ही है, और कॉन्टैक्ट बेस पे है। तो इसमें एग्जाम यदि सरकार लेती है तो इसका मंशा क्या है, पहले हम लोग उसको देखते हैं, सरकार की क्या मंशा है। देखिए, सरकार ये चाह रही है कि वैकेंसी 2024 इलेक्शन तक जाए, यानी कि चूंकि ये बड़ी वैकेंसी है 8000 अमीन, यानी कि यदि ये वैकेंसी क्लियर होती है तो जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट हैं उनका यहाँ पे मुंह बंद हो जाएगा, यानी कि जो हो हल्ला हंगामा डिप्लोमा वाला स्टूडेंट यहाँ पे बंद कर देंगे। चूंकि यहाँ पे 8000 प्लस यहाँ पे वैकेंसी है तो मैक्सिमम कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा, तो हो हल्ला करने वाले की संख्या भाग जाएगी। तो ये इसलिए जो है कि 2024 जो बिहार में इलेक्शन है, बिहार के अलावे जो सभी राज्यों में इलेक्शन है, चूंकि 2024 में लोकसभा के इलेक्शन है तो बिहार में भी इलेक्शन है, तो यहाँ पे फिर 2025 में इलेक्शन है, तो सरकारें चाह रही है कि बीच बीच में एग्जाम बेस हो, और एग्जाम बेस होकर के ये बहाली पेंडिंग पर है। चूँकि एग्जाम बेस होगा तो पता है कि पेपर लीक होगा, जब पेपर लीक होगा तो एग्जाम कैंसिल होगा, और ये प्रक्रिया में चाहती है कि उलझते हुए 2023 पूरा निकल जाए और ये जो वैकेंसी है 2024 और 25 में जाकर क्लियर हो और एग्जाम बेस से हो, ताकि सरकार का भी वाहवा भी हो, और आपको जो है कि ज्ञान भवन बुला करके नियुक्ति पत्र बांटेगी सरकार और आप भी खुश होंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे सिर्फ नुकसान यहाँ पे छात्रों का है। क्या नुकसान है? चूँकि आप लोग 2019 से ही
19 के बाद कोई बिहार में ऐसी वैकेंसी नहीं आई है, यानी कि कोई भी वैकेंसी 19 के बाद क्लियर नहीं हुई है डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। अब रही बात 2019 के बाद कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हुई है, तो अब सरकार चाह रही है कि अब अगले इलेक्शन तक ये क्लियर हो, और इसमें आपका 4 से 5 साल आपका नुकसान छात्र का होगा। तो यहाँ पे छात्र हित में ध्यान रखते हुए जैसे प्रोसेस हो, जो भी प्रोसेस हो, वैकेंसी को क्लियर किया जाए, LRC की क्लियर किया जाए और BTSC की क्लियर किया जाए, अन्यथा आप लोग का जो 1-2 साल और है फिर से यहाँ पे बर्बाद होने के लिए आप लोग तैयार रहें। फैसला आपके हाथ में है, किसी भी कंडीशन में हो, चाहे एग्जाम लो, कुछ भी लो, लेकिन ये वैकेंसी जल्द हो तभी छात्र हित में होगा, अन्यथा ये तो छात्रों के साथ यहाँ पे अन्याय ही यहाँ पे देखने को मिलेगा छात्रों को। तो यही अपडेट था और सरकार की यही मंशा है जो कि 2024 और 25 जो इलेक्शन देख रहे हैं, और सरकार का जितने भी मंत्री है सभी का बोल यही है कि आप 2024 की तैयारी करो, ठीक है, 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है 2024 का तैयारी करो। तो सभी नेता मंत्री सभी जो है कि इसमें अब चाह रहे हैं कि अब सारा भर्ती 2023 में ना होकर 24 के आसपास हो, ताकि ताज़ा उस समय रहे कि हाँ हम लोग बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ अभी क्लियर कर रहे हैं। तो छात्र को लुभाने की जो है कि प्रक्रिया अभी से अब शुरू होने को देखने को मिल रहा है। फैसला आपके हाथ में है, जैसे भी हो बहाली अब जो है कि LRC की, चाहे कॉन्टैक्ट पे हो, किसी भी सॉरी कॉन्टैक्ट पे बोला है, एग्जाम पे हो या मेरिट पे हो, किसी भी तरीके से जितना जल्द होगा वही बेनिफिट है। लेकिन सरकार का अलग मकसद है, जो कि मैंने बताया जो मकसद सरकार का क्या है, देखिए क्या कुछ होता है, जो भी अपडेट मिलेगा LRC अपडेट के ऊपर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो BTSC का जो केसेज है वो भी बीच बीच में जो है कि बाधा डाल रही है, इसका भी रिजल्ट जारी होने से रोका जा रहा है, क्या प्रोसेस है, हो सकता है तो बीच में एक बार और हाई कोर्ट यहाँ पे रिजल्ट को कैंसिल करे या कुछ भी करे, स्टे लगाए या जो भी लगाना है। हाई कोर्ट का तो ये पहले से रवैया जारी रहा है और अभी भी जारी है और आगे भी निरंतर जारी रहेगा। तो ये तो जो है कि हमेशा छात्र के अहित का यहाँ पे जो है कि प्रोसेस होता रहा है, गवर्नमेंट और छात्रों, छात्र भी इसमें जो है कि बहुत सारा जो है कि बीच बीच में लोचा लगाते रहते हैं, तो छात्र भी कहीं ना कहीं इसमें जो है कि बहुत सम्मिलित है, जो कि इस बहाली को या फंसाने में छात्र का भी बहुत सारा यहाँ पे योगदान रहा है बहाली फंसाने में। और लेकिन मैक्सिमम चाहते हैं कि बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द यहाँ पे क्लियर हो, और बहुत सारे जो नेता लोग हैं वो सब कारण जो है कि यहाँ पे बहुत सारा जो पेंडिंग में पड़ा। खैर जो भी बातें हैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन किसी भी तरीके से बहाली पूर्ण होनी चाहिए, नहीं तो 2019 के बाद कोई बहाली दो, उससे पहले तो 2000 PRD की बहाली क्लियर हुई थी 2018 में, फिर उससे पहले 2017 में कुछ बहाली आई थी, उसके बाद जो 2019 में LRC की बड़ी बहाली क्लियर हुई थी, तो उससे पहले का जो मैक्सिमम कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन हो चुका है, और बाद वाले जो 19, 20, 21, 22 वाले जो कैंडिडेट है और आने वाले इन फ्यूचर 23 भी इसमें ऐड हो जाएंगे, तो इन सारों का जो भविष्य है अभी अधर में यहाँ पे लटका हुआ है। तो जितना जल्द हो सके आई होप कि यहाँ पे रिजल्ट आ जाए, उनके हित में ही होगा। खैर जो भी अपडेट होगा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल तो इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।